कैसे वॉक करेगा, कैसे चलेगा। तो मैंने जो कुछ सोच रखा था अपने दिमाग में कि मेरा जो कैरेक्टर है वो कैसे परफॉर्म करेगा, पवन जी बिल्कुल 100% वैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं। सिंह जी पहली बार उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला है, सौभाग्य मिला है। और बतौर निर्देशक मैं उनके साथ काम कर रहा था इस वेब सीरीज़ में। शुरुआत के दिनों में वो मेरे लिए एक्टर थे। थैंक यू वेरी मच रामचंद्र जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। म्यूजिक की शुरुआत यही सोच कर किए कि कुछ अच्छा करें, फिल्मों की मेकिंग की भी शुरुआत यही सोच कर की है कि कुछ अच्छी फिल्में बनाएं। और जैसे जैसे प्लेटफॉर्म और विधाएं चेंज हो रही हैं वैसे वैसे अब ज़माना पहले थिएटर्स का ज़्यादा हुआ करता था, अब वेब सीरीज़ का मोबाइल का है दौर है, तो उस पर वेब सीरीज़ बाकी सब चैनल्स बाकी सब लैंग्वेजेस में ऑलरेडी बन ही रहे हैं। साथ में भोजपुरी को भी एक्सप्लोर करना ज़रूरी था, तो हम लोगों ने भोजपुरी को लेकर के पहली एक ऑफिशियल वेब सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें सुपरस्टार पवन सिंह जी काम कर रहे हैं। तो एक नया एक्सपीरियंस है, नए तरीके की बात है और करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। तो बताना चाहेंगे कि जो भोजपुरी में वेब सीरीज का जो हुआ, क्या नाम है, कहाँ पे चैनल आएगा, ये किस चैनल पे आएगा? जी जी जी, ये हम लोग एक चैनल है हमारा चौपाल करके, तो चौपाल चैनल के लिए हम लोग कर रहे हैं ये। और पिटारा ग्रुप्स का ही ये चैनल है जो पंजाब में बहुत बड़ा ग्रुप है, और ये खुद चैनल ही भी बहुत बड़ा है, ऑलरेडी ऑन एयर है। ये आपके जितने भी मोबाइल प्लेटफॉर्म्स हैं सब पे अवेलेबल है। आप इसको एंड्रॉयड में प्लस आप इसको एप्पल में डाउनलोड कर सकते हैं चौपाल करके। और इस पर पहले से ही काफ़ी पंजाबी वेब सीरीज़ हैं, भोजपुरी की ये पहली है। और इसको इसका जो निर्माण है वो कर रहे हैं अभय सिन्हा जी, यासी फिल्म्स कर रहा है और मैं इसमें बतौर डायरेक्टर और क्रिएटिव डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। इसकी जो कहानी है वो हमारी है और डायरेक्शन हमारा है, इसके म्यूज़िक हमारे जैसे मैं फिल्मों में करते आया हूँ, म्यूज़िक भी गाने कुछ हैं जो हमारे हैं। और इसमें काम कर रहे हैं हमारे भोजपुरी के सुपर स्टार, जिसको प्यार से भोजपुरी के जो दर्शक हैं वो पावर स्टार कहते हैं, पवन सिंह जी। और पहली बार उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला है, सौभाग्य मिला है। और बतौर निर्देशक मैं उनके साथ काम कर रहा था इस वेब सीरीज़ में। शुरुआत के दिनों में वो मेरे लिए एक्टर थे और मैं उनके लिए डायरेक्टर था, पर जैसे जैसे हम लोगों ने इस वेब सीरीज़ का सिलसिला आगे बढ़ाया, हम दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई और दोनों दोस्त हो गए। लोगों की शायद शिकायत हुआ करती है पवन सिंह जी से, मेरी कोई शिकायत नहीं है, मुझे उनके साथ काम करते हुए बहुत मज़ा आया। और जो एक डायरेक्टर सोचता है कि उसका जो किरदार निभाए, उसके विज़न में उसके दिमाग में एक किरदार होता है कि जो कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे वॉक करेगा, कैसे चलेगा। तो मैंने जो कुछ सोच रखा था अपने दिमाग में कि मेरा जो कैरेक्टर है वो कैसे परफॉर्म करेगा, पवन जी बिल्कुल 100% वैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं। और बतौर निर्देशक जो मेरी उम्मीद थी कि मेरा एक्टर किस लेवल तक परफॉर्म करे, शायद मैं जहां तक सोचा था उससे ऊपर वो परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करते हुए। पवन जी को जिसे पावर स्टार कहा जाता है, रिकॉर्ड मशीन कहा जाता है, उनके जो भी चाहे गाने हो चाहे फिल्में, जब आती है तो अपने आप रिकॉर्ड बन जाता है, फॉलो करते हैं, देखिए रीज़न ये है कि हमारे भोजपुरी में बहुत से गायक हैं, बहुत लोग हैं, बहुत लोग गाने गाते हैं, पर बहुत लोग गीत गाते हैं, शब्दों का जाल होता है, शब्दों का माया जाल होता है, वो शब्द हिट हो जाते हैं और शब्द चल पड़ते हैं। बहुत ऐसे गाने हैं जिसमें कोई म्यूज़िक नहीं होता है, कोई संगीत नहीं होता है, शब्द होता है, हुक लाइन चल जाता है तो वह सब
भाई गाना हिट है तो हिट है, पर अगर बतौर गायक की अगर बात करें कि भाई कोई सिंगर जिसको बैठ करके हम सुनने का मतलब चाहत रखें बींग ए म्यूजिक डायरेक्टर या कोई भी आदमी, तो उसमें से सुरीले सिंगरों में अगर किसी का नाम लिया जाएगा तो पवन सिंह है, कल्पना पटवारी हैं, आलोक हैं जो कमाल गाते हैं, आलोक कुमार भोजपुरी में हमारे उदित भैया जिनके साथ कम से कम मैंने 100-150 गाने रिकॉर्ड किए हैं, कुमार सानू जी से किया है, विनोद राठौर जी से किया है, श्रेया से गाना रिकॉर्ड कराया, पलक मुच्छल से कराया, जावेद अली से कराया, सबके साथ काम किया है मैंने। तो उन लोगों के साथ जो काम करते हुए मुझे एहसास होता था कि हाँ सिंगर जो आप कंपोजिशन बना रहे हो और जो गाने बनाया आपने, उस गाने को आप जितना सोचे हो उस लेवल तक परफॉर्म करने वाला एक सिंगर होता है सॉरी और एक सिंगर होता है जहाँ तक आपने कंपोजिशन बनाया है सोचा है उसके ऊपर परफॉर्म करने वाला। थोड़ा नीचे कर लो भैया इसको। तो एक सिंगर वो होता है जो आपके परफॉर्मेंस आपका जो गाना होता है उसको इस तरीके से परफॉर्म करता है कि गाना आउटस्टैंडिंग हो जाता है। मेरा अब तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि पवन सिंह जी के साथ जितने भी गाने मैंने रिकॉर्ड किया है बतौर म्यूजिक डायरेक्टर, मैक्सिमम गाने सुपरहिट हैं और उन गानों को लोगों ने बहुत लाइक किया, पसंद किया, चाहे वो प्रतिज्ञा के गाने हो जो उनके साथ मैंने किया था, उसके बाद एक गाना नागिन में मेरे लिए वो गाए थे, वो भी गाना बहुत बहुत हिट हुआ था, उसके बाद और भी फिल्में, कई फिल्में हैं कि आज चांद उतरल बाटे हो पियर साड़ी में एक गाना करके था, फिल्म बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं की पर गाना इतना अच्छा हुआ। दिनेश जी की कुछ फिल्मों के लिए मेरे वो गाना गाए हैं जिसके लिए दिनेश लाल यादव जी की हीरो थे और हम रिक्वेस्ट करते थे तो पवन जी आकर के वो गाने गा दिया करते थे। तो उनके साथ ट्यूनिंग ऐसा रहा है कि जब भी मैंने उनके साथ गाने बनाए हैं वो गाने सब हिट हुए हैं, बड़े हिट हुए हैं, कर्णप्रिय गाने हैं क्योंकि वो सुरीले सिंगर हैं। आप आज का दौर देखिए कि सोनू निगम जी उनके साथ छठ का गाना गा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो अगर उनके अंदर काबिलियत नहीं होती तो ये मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कैसे सिंगर हैं, दुनिया जानती है। आज आदित्य देव जो इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रोग्रामर हैं, जो पायल देव हैं वो आज की बहुत बड़ी सिंगर हैं सबके साथ, और अभी सुनने में आया कि वो बादशाह के साथ भी गाने कर रहे हैं, इसके साथ और भी कुछ बड़े बड़े लोगों के साथ उनका गाना आ रहा है, सलीम सुलेमान जी के लिए साथ कर रहे हैं, जब वो साजिद वाजिद जो जोड़ी थी तो उनमें जो वाजिद भाई हैं उनके साथ गाना कर रहे हैं, तो कर रहे हैं वो बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, बड़े बड़े गाने कर रहे हैं, अच्छे सिंगर हैं और हमारी उनके शुभकामनाएँ हैं कि और दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें। उनके साथ एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर काम करने का भी मज़ा है, एज ए डायरेक्टर भी काम करने का मज़ा आया, और एक कंफर्टेबल जोन के आदमी हैं वो, बस ज़रूरत है आपको कि उनको समझने की। मुझे 4-5 दिन लगे उनको समझने में और मुझे भी वो समझ गए, मैं भी उनको समझ गया और आज एक अच्छी दोस्ती हो गई। आज पहले मुझे बड़े भैया किया कहा करते थे, उन्होंने मुझसे कहा कि भैया और बाबू का रिश्ता हम लोग हटाते हैं, अब दोस्त का रिश्ता लाते हैं, और आज से आप हमारे दोस्त हैं, मैं आपका दोस्त हूँ, आपको हक है, आपको जो कहना है कहिए और मुझे हक है कि आपको जो कहना है कहूँगा, और अच्छा लगा मुझे।